ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ भोजन खा रहा था कि उसे दूर पेड़ हिलते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ पेड़ों के टूटने की आवाज भी। ना आंधी ना तूफान, तो फिर ये पेड़ क्यों हिल रहे हैं? मैं जाकर देखता हूँ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और उस तरफ जाता है। सदियों पुराना पीपल का बड़ा पेड़ गिरा पड़ा था। मैना के दो अंडे टूट गए थे। जख्मी मैना अपने टूटे हुए अंडों के पास बैठी रो रही थी। ये क्या, ये इंसान पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? मुझे जाना होगा, मुझे जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बताना होगा। कौवा भागता है। मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरा विश्वास करें, इंसान किसी मशीन से पेड़ काट रहे हैं। पीपल का पुराना पेड़ भी काट दिया उन्होंने, मैना का घोंसला टूट गया और अंडे भी। ये इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाकर पूछना होगा, उन्हें रोकना होगा। जल्दी चलो, सब चलो और पता लगाओ कि इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सब पक्षी दोस्त इंसानों की तरफ जाते हैं। इंसान जी रुके रुके, हमारी बात सुने। बहुत काम है, जल्दी बताओ चिड़िया क्या बात है? इन पेड़ों पर हमारे घर है, आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? ऊपर से ऑर्डर है, सरकार यहाँ से रेल की लाइन गुजारना चाहती है। जो जो पेड़ रास्ते में आएगा वो तो कटेगा ही। ये सुनकर सब पक्षी डर जाते हैं। आप ऐसा ना करें, हम मर जाएंगे। अगर बस्ती की तरफ जाएं तो इंसान बंदूक चलाते हैं। इस जंगल में तो हमें सुकून से रह लेने दें। मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर है। ऐसा कहते हुए इंसान फिर से अपने काम में लग जाता है। रात होने को थी, इसलिए सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सारी रात चिड़िया सो नहीं पाती। मम्मा, आज आप इतना परेशान क्यों हैं? गुड़िया बेटी, इंसान जंगल में आ गए हैं, वो सब काट देंगे, वो सारे पेड़ काट देंगे। मम्मा, इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार का आदेश है, वो इस जंगल से रेल की लाइन गुजार रहे हैं। मम्मा, कल आप किसान के पास जाए और किसान से कहें कि राजा तक आपका संदेश पहुंचाए। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। हाँ बेटी, आपने ठीक कहा, हम कल किसान के पास जाएंगे। सुबह हो जाती है। चिड़िया, कौवा, मिठू और कबूतर बैठे हुए थे जब वहाँ बुलबुल रोती हुई आती है। मेरा घर टूट गया, मेरा बच्चा मर गया, पेड़ के नीचे दबकर मेरा बेटा मर गया। मेरा क्या दोष था? उन इंसानों ने ऐसा क्यों किया? एक ही सांस में बुलबुल सब बताती है। हौसला रखो बुलबुल, हम सब भी इसी बात को लेकर परेशान हैं। जालिम इंसान ये नहीं जानता कि पेड़ काट देने से उनका अपना जीवन भी खतरे में है। आज पेड़ काट कर वो हमारे बच्चे मार रहे हैं, कल इंसान के अपने बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। चिड़िया, इससे पहले कि देर हो जाए चलो हम किसान के पास जाते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर, कौवा और मिठू उड़ते हैं। वो सीधे किसान के पास जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे। चिड़िया किसान से कहती है, नेक दिल किसान, हमारी फरियाद सुने, हम बहुत मुश्किल में हैं। चिड़िया की आवाज सुनकर किसान अपने बैल रोक लेता है। बताओ चिड़िया, क्या समस्या है? आप सब इतना परेशान क्यों हैं? हमारे जंगल में इंसान पेड़ काट रहे हैं। इंसान हमारे जंगल से रेल की पटरी गुजारना चाहते हैं। मैना के अंडे टूट गए और बुलबुल का बच्चा भी मर गया। पीपल का वो पुराना पेड़ लंबे समय से हमें घर बनाने के लिए जगह दे रहा था, वो भी कट गया। पक्षी बहुत दुख से ये सब किसान को बताते हैं। बहुत बुरा हुआ, अपने बेटे के बिना बुलबुल कैसे जी पाएगी? सुनिए पति जी, आप कुछ करें इन बेचारे पक्षियों के लिए। आप राजा से शिकायत लगाएं कि हम पक्षियों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी घर खड़ी करके राजा जी के पास जाता हूँ। ज्यादा नहीं, केवल दो पक्षी साथ जाएं, फिर ही राजा जी को विश्वास होगा। किसान अपनी बैलगाड़ी लेता है और उसे घर खड़ी करता है। चिड़िया और कौवा किसान के साथ जाते हैं और वो सब राजा जी के पास जाते हैं। राजा जी, ये पक्षी पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, ये बहुत परेशान हैं।
राजा जी, जैसे ये आप इंसानों का घर है, ऐसे ही जंगल हमारा घर है। हम पक्षी पेड़ों पर ना रहे तो कहाँ जाएं? मगर इंसान हमारे जंगल में पेड़ काट रहे हैं। रेल की पटरी गुजारने के लिए वो सब खत्म कर रहे हैं। आप कृपया करके आदेश दें कि वो इंसान पेड़ ना काटें। संतरी, रोको उन इंसानों को, पेड़ काटने से रोको और उन्हें मेरा आदेश दो कि रेल की पटरी गुजारने के लिए किसी और रास्ते का चुनाव करें, वो रास्ता जहां पेड़ ना हो। ये सुनकर चिड़िया और कव्वे की जान में जान आती है और वो खुश हो जाते हैं। राजा जी, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे माफ करो पक्षियों, हम इंसान काम करते समय ये भूल जाते हैं कि हमारी तरह आप पक्षियों का भी अपना जीवन है, घर है, परिवार है। फिर चिड़िया, कौवा और किसान खुशी खुशी वहाँ से वापस चले जाते हैं। वो सब दोस्त वापस जंगल में पहुँच जाते हैं। काम रुक गया था, इंसान वहाँ से ट्रक लेकर जा रहे थे, मगर जो नुकसान हुआ वो भी कम न था। पीपल के पेड़ के बिना जंगल खाली खाली लग रहा था। मेरा बेटा अब नहीं रहा, इंसानों ने मार दिया उसे। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं भी उस पेड़ के नीचे ही दबकर मर जाती। बुलबुल को देखकर सब पक्षियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये पेड़ पौधे, फूल, नदियाँ, जंगल और जंगल में पक्षी, इन सब से हम इंसान का जीवन जुड़ा हुआ है। कृपया करें प्रकृति को तबाह ना करें, नहीं तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। आपका धन्यवाद। चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। वो अपना एक अंडा अपनी चोंच में उठाए इधर उधर उड़ रही थी। वो किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में थी, क्योंकि उसे अपने रहने के लिए घोंसला जो बनाना था। फिर वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक घोंसले में मिठू तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे अपने लिए घोंसला बनाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मेरे इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लें और आप यहाँ रह सकती हैं। तोते भैया, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मैं अपना घोंसला नदी के पास बनाऊंगी, क्योंकि अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मैं दूर पानी पीने नहीं जा सकूंगी। तो फिर मैं क्या मदद करूं आपकी? जब तक मैं अपना घोंसला नहीं बना लेती, आप मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख लें। मिठू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और चिड़िया का अंडा थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले में रख लेता है और चिड़िया अपना घोंसला बनाने नदी के पास चली जाती है। चिड़िया ने अभी घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने शुरू ही किए थे कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम नई आई हो इस जंगल में? हाँ कव्वी बहन, मैं आज ही आई हूँ और अपना घोंसला बना रही हूँ। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना घोंसला पड़ा है, अगर आप चाहें तो मुझसे वो घोंसला ले सकती हैं। चिड़िया को कव्वी की ये बात बहुत पसंद आती है और वो कव्वी से कहती है, अगर आप मुझे अपना पुराना घोंसला दे दें तो मेरा भला हो जाएगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं नया घोंसला बना सकूं। फिर गौरी कव्वी चिड़िया को अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। इस घोंसले में मैं आपके भाई कालू कव्वे के साथ रहती हूँ और ये वाला घोंसला खाली ही है, ये घोंसला आप ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कव्वी बहन। फिर चिड़िया गौरी कव्वी से वो पुराना घोंसला लेकर वापस नदी पर चली जाती है। वो घोंसला टूटा हुआ था, चिड़िया उसे एक पेड़ पर रखती है और उसकी मरम्मत का काम शुरू करती है। चिड़िया उस पुराने घोंसले में नए तिनके लगाती है और उसे मजबूत बना लेती है। फिर चिड़िया नदी के पास से ही कुछ फूल तोड़कर उस घोंसले को ऐसे सजा लेती है जैसे वो नया बनाया हो। शाम होने वाली थी, इसलिए चिड़िया जल्दी से मिठू की तरफ जाती है।
मिठू भैया, मैंने घोंसला बना लिया है, मेरा अंडा आप मुझे वापस दे दें। चिड़िया, आपने तो बहुत जल्द घोंसला बना लिया। मैं घोंसला बनाने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवी आ गई। उसके पास एक पुराना घोंसला था, मैंने उससे पुराना घोंसला लेकर मरम्मत कर लिया है। चिड़िया, क्या गोरी नाम था उस कौवी का? हाँ मिठू भैया, उसका नाम गोरी ही था। वो तो बहुत दुष्ट कौवी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारी मदद कैसे कर दी। नहीं नहीं मिठू भैया, वो तो बहुत अच्छी कौवी है। फिर चिड़िया मिठू से अपना अंडा लेकर वापस चली जाती है और अपना अंडा अपने घोंसले में रखकर सुख का सांस लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं और मेरा अंडा यहाँ सुरक्षित है। ऐसे ही दो तीन दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर समय अपने अंडे के पास ही रहती थी, वो सारा दिन फारिग होती थी। एक दिन उसे एक विचार आता है। यहाँ पानी भी है और भोजन भी आसानी से मिल जाता है और सूखी लकड़ियाँ भी पास ही हैं। क्यों ना मैं यहाँ अपने लिए पक्का लकड़ियों का ही घर बना लूँ, मेरा बच्चा भी आने वाला है।